आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार छात्रों, हमारा प्रश्न एक प्रकाश किरण प्रकाशीय सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण सी है। किरण के लिए अधिकतम संभव विचलन होगा पाई बाई टू माइनस सी, टू सी, पाई माइनस टू सी या पाई माइनस सी। देखिए छात्रों, इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग ठीक है किरण की हम लोग जो प्रकाशीय किरण है उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजने के लिए इधर हम ऊपर विरल माध्यम बना लेते हैं, विरल माध्यम नीचे बना लेते हैं, सघन माध्यम मान लेते हैं, ठीक है। और यह वह पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक्कृत कर रही है। अब छात्रों, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अगर हम मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जैसे ही आपतन बिंदु पर गिरती है यहाँ पे एक अभिलंब आता है आपतन बिंदु पर, है ना। यह हमारा एक अभिलंब होता है, अभिलंब से यह जितना कोण बनाती है इसको हम आपतन कोण कह देते हैं। छात्रों, इसको थीटा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब इस प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण हमारे अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाती है और कुछ इस प्रकार से चली जाती है, ठीक है छात्रों। तो यह हमारा जो यह पूरा कोण होगा इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, पाई से, और इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक। अब छात्रों, आप देखेंगे कि यह कोण जो होता है, यह जो विचलन, ये जो कोण जितना मार्ग वह विचलित हो गई, इसको हम विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यह किरण हमारी अपवर्तित किरण हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा छात्रों, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से गुजरती है तब विचलन कोण जिसे हम यहाँ पे डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा डेल्टा हमारा। यह डेल्टा का मान हमारा होता है फाई माइनस थीटा, ठीक है छात्रों। फाई हमारा एक तरीके से अपवर्तन कोण है तथा थीटा हमारा आपतन कोण है ना। अब देखिए, हमारा यहाँ पे क्रांतिक कोण सी के अवस्था में क्या होता है कि जब क्रांतिक कोण पे हमारा जो अपवर्तन कोण होता है वह हमारा 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात थीटा बराबर जब हमारा सी होगा तब हमारा जो फाई का मान होगा यह छात्रों हमारा हो जाता है पाई बाई टू। इस अवस्था में जो हमारा डेल्टा होता है उसका मान अधिकतम होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के लिए फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू के लिए इसका मान अधिकतम कितना होगा छात्रों, पाई बाई टू माइनस सी है ना। है किस प्रकार से, जरा यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें छात्रों, तो डेल्टा पाई की जगह पे हम छात्रों यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया पाई बाई टू, तो हम पाई बाई टू लिख देते हैं, ठीक है। माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक। तो इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखिए होता क्या है कि हमसे प्रश्न में कहा है कि हमारा जो विचलन कोण होगा वह इस किरण के लिए अधिकतम संभव विचलन कितना होगा, मतलब अधिकतम संभव विचलन इस डेल्टा का मान। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति ऐसी होती है, स्थिति जिसमें हमारा यह जो डेल्टा होता है विचलन कोण, इसका मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे छात्रों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में विचलन कोण यह हमारा छात्रों जो होता है
डेल्टा बराबर पाई माइनस टू थीटा होता है ना। अब देखिए अगर हमारा थीटा का मान न्यूनतम होगा तो उस अवस्था में हमारा डेल्टा जो है उसका मान अधिकतम होगा, है ना। तो थीटा का न्यूनतम मान सी होने पर डेल्टा का अधिकतम मान यह छात्रों हमारा हो जाता है डेल्टा बराबर पाई माइनस टू थीटा की जगह हमने रख दिया सी। तो यह हमारा आ गया डेल्टा का अधिकतम संभव मान। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर हम यहां से बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है पाई माइनस टू सी, ऑप्शन तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।